अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ से। आज हम यहाँ पर अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम में मौजूद हैं। यहाँ पर एक दिल्ली से जमात आई हुई थी जिसके 70 दिन पूरे हो गए। लॉकडाउन के चलते इस जमात को यहाँ पर रखा गया और जो मरकज़ बेलगाम है, करीम दाद खान मस्जिद का जो मरकज़ है, वहाँ के जिम्मेदार बशीर साहब औटी हज़रत साहब की मशोरे से अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के इलाके में उनको रखा गया और वहाँ पर अंजुमन इस्लाम की तरफ से उनके सदर जनाब राजू सेठ साहब और बहुत सारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन गफूर घी वाले और अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब समीउल्ला माड़ी वाले और हमारे अमीन पट्टेकेरी साहब ने, इन तमाम हजरात ने इस जमात की बहुत ही खिदमत की और हर तरह की सहूलत फराहम की और उनका बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया। आज वो वक्त आ चुका है, ये तमाम जो गवर्नमेंट के जो ज़रूरती चीज़ें थे उनके पूरे मुकम्मल होने के बाद आज यहाँ से वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं और हमारे अंजुमन इस्लाम, खासकर राजू सेठ साहब, जो इन तमाम मेंबरों को लेकर जो बहुत ही खिदमत किया ऐसे लॉकडाउन के वक्त में, जो नामुमकिन कामों को इन्होंने मुमकिन बनाया और कई जमातों को जहां निपानी में रुके या वहां रुके उनको रोका गया, वहां से जा जा कर राशन पानी की तकसीम कर हर तरह की सहूलत मुहैया करके और उन जमातों को अपने अपने गांव रवाना किए, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब राजू सेठ साहब और अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम समीउल्ला माड़ी वाले साहब और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब गफूर घी वाले और बशीर अहमद साहब, अमीन पट्टेकरी साहब, अशफाक हमारे अशफाक साहब, जितने भी हजरात हैं, हनीफ भाई और हमारे मोहसिन भाई, समीर भाई, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको जजाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो जमात है दिल्ली की जमात है, इसे तो बहुत सारे जमातें थी जो सदर अंजुमन आसिफ राजू शेर साहब की मेहनत और कोशिश से और उनकी जो टीम है उनकी टीम के साथ काफ़ी खिदमत हुए हैं, लेकिन ये जमात जो है इसे आज़मनगर में थी, बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसके बाद मेडिकल उनका किया गया, हमारे अब्दुल खादर भाई साथ में थे उनका मेडिकल करने के लिए, उसके बाद जो है अंजुमन में ये जमात तकरीबन 40 रोज तक यहाँ पर जमात रही और आसिफ राजू शेर साहब ने और उनकी टीम ने काफ़ी खिदमत की इस जमात की और जमात वालों ने भी यहाँ पर माशाल्लाह उनकी कोई जो है कमी महसूस होने नहीं दिया गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, जितने भी लोग अटके हुए हैं उन्हें जो है आफियत के साथ, जो तमाम शहर बेलगाम के वासियों ने खिदमत कर रहे हैं, इसी तरीके से ज़िला बेलगाम में जो है जहाँ जहाँ भी परेशानी में है वो इंशाल्लाह इसी तरीके से खिदमत करते रहेंगे। ये जो जमात आज़मनगर के हलके में फंसी हुई थी, काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी जमात के सिलसिले में और रुकने के लिए, फिर एक एमएलए साहब फिरोज सेठ साहब, उन्होंने एक फ़ोन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात को आफियत के साथ अंजुमन में लेके आए, फिर अंजुमन के सदर साहब जनाब राजू सेठ साहब यहाँ पे रखे, करीब आज 47 डेज कुछ यहाँ पे हो रहे हैं जमात को अंजुमन में रहते हुए, और उनके तासुरात ये है कि माशाल्लाह घर से अच्छा आराम और सहूलतें हैं और रोज़ाना आसिफ सेठ साहब उनकी खैर खबर लेना जमात के अमीर साहब से, साथियों की, और यहाँ का जो स्टाफ है अंजुमन का माशाल्लाह इतना ताउन करता रहा कि इनको कोई चीज़ की कमी होने के लिए नहीं दिए। आज की खुशी का मौका है कि हम उनको यहाँ से अपने वतन भेज रहे हैं। जो चार गाड़ियों का निज़ाम बना था, एक गाड़ी किसी वजह से कैंसिल हो गई, उसमें भी एक एमएलए साहब फिरोज सेठ साहब एक फ़ोन के ऊपर डीसी साहब को फ़ोन करके, जो कल पे जाने का काम या हो सकता है और दो तीन रोज़ लगते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल के ऊपर उस गाड़ी का भी परमिशन जो दूसरी गाड़ी है उसका करके दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ देर में इंशाल्लाह वो अपने मंजिल की तरफ जाएंगे। दुआ है कि जमात के साथियों को और पूरे अंजुमन के स्टाफ को और सदर साहब को अल्लाह आफियत के साथ रखे और ऐसे ही काम पूरे उम्मत का यहाँ से होता रहे। जजाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंजुमन इस्लाम में जामिया मिलिया से दिल्ली से एक जमात आई हुई थी, पहले वो आज़मनगर में औटी हज़रत के घर पे थे, फिर वो अंजुमन यहाँ पे आए।
पिछले 40-45 रोज से वो यहाँ पे हैं, काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब जितना हो सके उनकी खिदमत करने की कोशिश की। आज उनके पूरे परमिशन आ चुके हैं दिल्ली से और बेंगलोर से भी, और वो रवाना होंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई चीज़ के अंजाम लाने के लिए या खिदमत करने के लिए सिर्फ़ एक इंसान की मेहनत काफ़ी नहीं होती। हमारे अंजुमन के पूरी टीम, हमारे समीउल्लाह साहब, अंजुमन के हमारे बच्चे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन गफूर गीवाले साहब, हाफिज़ बशीर साहब, अशफाक गोरी साहब, हमारे आमीन भाई, और जब हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए थे खादर भाई, साथ ही साथ और भी काफ़ी नौजवान इनकी खिदमत करने में जुड़े रहे, खास करके हमारे हनीफ भाई। अब दुआ करें कि ये जमात के हर साथी अपने घर पे आराम से पहुँचे और अपनी ईद अच्छी तरह से अपने घर वालों के साथ मनाए, और ऊपर वाले से ये भी दुआ करते हैं कि हमें आगे चल के भी खिदमत करने के मौके दे। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बहुत सारे हजरात को मालूम है कि जब से लॉकडाउन हुआ है उस वक्त से कई मुसाफिरीन अपनी अपनी जगह अटक गए हैं, रुक गए हैं, जिसकी वजह से कई हालात से गुजरना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में हमारे बहुत सारे जमात में निकले हुए अहबाब भी रुके हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम में कई अफराद थे जिनको बरवक्त उनकी मेडिकल कराया गया और पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से उनकी इतला में इल्म में लाया गया। उसके बाद माशाल्लाह अंजुमन की जमात पूरी की पूरी मुतहरिक रही और हर तरह का इनका ताउन रहा, खुसूसन जनाब फैरोज सेठ साहब, जनाब राजू सेठ साहब, इसी तरह अब्दुल गफूर भाई घी वाले और समीउल्लाह भी माड़ी वाले, इसी तरह और भी अहबाब हैं। बहुत सारे अहबाब ने हमारे आज़म नगर के हनीफ भाई हैं, इसी तरह बहुत सारी पूरी टीम है, इन लोगों के बड़ा ताउन रहा। इसी तरह हाफिज़ बशीर साहब और भी बहुत सारे हजरात थे जिनका ताउन की वजह से जमात आफियत के साथ अब यहाँ रही, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने के पूरे रास्ते हमवार किए गए, गवर्नमेंट से जो कुछ कोशिशें की जाती थी माशाल्लाह की गई, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हुई है। अल्लाह हमारी इन मेहनतों कबूल फरमाए और अल्लाह के फजल से आज वो रुखसत होना चाहती हैं। हमारी दुआ खुसूसन के वो आफियत के साथ सफ़र करें, सफ़र की सारी दुश्वारें उनकी ख़त्म हो जाए। और आखिर में मैं हमारे जमात के अहबाब की तरफ से खुसूसन इन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों की बड़ी ताउन रहा, उम्मीद से बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया माशाल्लाह। अल्लाह हमेशा उम्मत के लिए, अफराद के लिए, कौम के लिए खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और बार बार मैं शुक्रगुजार करता हूँ, दिली शुक्रगुजारी जनाब फैरोज सेठ साहब हैं, जनाब राजू सेठ साहब हैं, इसी तरह जनाब अब्दुल गफूर साहब हैं, और उनके साथ पूरी समीउल्लाह भाई और भी अफराद बहुत सारे, दिलो जान से माशाल्लाह इन्होंने खिदमत की, रात को रात ना समझा, दिनों में भी मशक्क़त की, लॉकडाउन में मुस्तकिल मुतहरिक रहे, ऑफिस और इनके लहजे में भी कोई फ़र्क नहीं आया, हमेशा खुशदिली के साथ कौम की हमदर्दी में इन्होंने काम किया। अल्लाह ताला ये जज्बात हमेशा कायम रखे, हम सबको इनकी खिदमत लेने की तौफीक नसीब फरमाए, और कौम के लिए इनको हमेशा खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए, और हम सबको अल्लाह बेहतरीन बदला क़यामत में नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने भी यहाँ पर लोग आए, जमातें आए, उनकी सबका मेडिकल चेकअप कराना, ये कराना, सब ये अपनी जिम्मेदारी पर कर रहे हैं, और वो आपसे कुछ बातें यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह उन्होंने मेडिकल को फेस किया है। पहली बात तो मैं फिरोज सेठ साहब और राजू सेठ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे अब्दुल गफूर घी वाले, वक्त बोर्ड के चेयरमैन समीउल्लाह माड़ी वाले, और हमारे बशीर गवास, हनीफ भाई और अशफाक भाई, आमीन भाई, इन सब का, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज़म नगर में जमात फंसी हुई थी और काफ़ी CPI का और हमारे डिपार्टमेंट का हमको सामना करना पड़ा, उसके बाद में वो मेडिकल चेकअप को ले गए हम हमारे एम्बुलेंस में डाल के, तो अल्लाह के करम से ये सब कामयाब हुआ। उसके बाद में हम लोग स्क्रीन टेस्ट कराए उनका, स्क्रीन टेस्ट कराने के बाद में जो है उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आया, आने के बाद में कोई उसको दिक्कत का सामना करना ना पड़ा,
और यहाँ पे अंजुमन में ला के उनको रखा गया, और कई कई मीडिया वाले भी जो है ना परेशान कर रहे थे जमात के लिए, तो अल्लाह ताला हमारे को बहुत अच्छा इसके अंदर हमको साथ दिया है। और राजू सेठ साहब का निगरानी के अंदर जो है कई क्वारंटाइन में जो पेशेंट थे उन्होंने, और काफ़ी पॉजिटिव पेशेंट को उन्होंने पूरे मटेरियल्स सप्लाई किया, तो इनका मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा शायद ही आदमी हम लोग ने नहीं देखा जो इस ये पीरियड के अंदर 2 महीने के अंदर काफ़ी मुसलमानों को हेल्प हुई है, इनका दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजू सेठ साहब का। ये दहली जमात जो यहाँ पर आई थी वो स्टक हो गई, 40-45 दिन से यहाँ पर रुकी थी। उसके अमीर है असलम, मौलाना असलम साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यहाँ अंजुमन वाले जो हैं, हमारे राजू सेठ साहब है, जो भी है इनका पूरा महकमा है, आपकी खिदमत किस तरह की और आपको इनकी खिदमत देकर कितनी खुशी महसूस हुई? हाथ मिले नहीं सो बोल रहे। हम यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आए थे, 3 मार्च में, और 20 दिन तो हम मस्जिदों में रहे। उसके बाद में हम जो थे 4 अप्रैल में हमारा क्वारंटाइन हुआ था, उसके बाद से हम यहाँ पर आ गए। वहाँ पे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वहाँ से यहाँ आने के बाद में करीब यहाँ पर हम 45 दिन होंगे, 45 डेज। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ एक्सप्रेस कर सकूँ, ना सेठ साहब के लिए, आसिफ सेठ साहब के लिए, जितने भी यहाँ के मेम्बरान हैं ए से जेड तक, इन्होंने इतनी खिदमत की कि हमारे पास उनके लिए वर्ड्स नहीं है। हम तो इसका बस ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और बहुत सुकून से हम यहाँ पे करीब 50 दिन रहे, यहाँ पर इसी मस्जिद के अंदर रहे, यहाँ पे क्या नाम है आपके अंजुमन के अंदर, और बहुत आराम से। और हमें ये था क्योंकि वहाँ से परमिशन नहीं मिली थी, इस वजह थोड़ा डिले हो रहे थे, और बल्कि हमारे सेठ साहब तो ये फरमाए थे अगर आप 1 साल तक भी रहें तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने फैमिली के साथ जाके ईद मनाएं और वहाँ पर रहें, जिसकी वजह से थोड़ी सी हम कोशिश और मेहनत कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि जमात चली है। तो इसका मैं बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ सेठ साहब का भी, और उसके अलावा ये कि सारे साथियों का, चाहे समीला भाई हों, हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं, सब के सब सबने इतनी खिदमत की है कि हम सोच नहीं सकते कि ऐसी भी इंसानियत होती है लोगों के अंदर। लेकिन बहरहाल क्योंकि दुनिया चल रही है, ऐसे ही लोगों से चल रही है। मैं हर तरह से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और हम वापस जा रहे हैं। जो कुछ हमसे गलती हुई वो मैं सब अपने साथियों की तरफ से, क्योंकि हमारे 18 साथी थे, सबकी तरफ से मैं इनसे माजरत करता हूँ, जितने ज़िम्मेदार साथी हैं। कुछ तकलीफें बहुत इन्होंने खिदमत की, लेकिन इसका अजर अल्लाह देंगे इंशाल्लाह। और अब हम वापस जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जाने के बाद में आपसे कांटेक्ट रहेगा, और मैं हर तरह से आई एम वेरी वेरी मच थैंक्सफुल टू अंजुमन एंड ऑल द पर्संस हु आर रिजाइडिंग हियर। हमने सुना था जो मुसीबत आती है अच्छे के लिए भी आती है। जी जी जी। ये जो कोरोना का वायरस के सिलसिले में जो चला जी, क्या ये हमारे लिए एक मोहब्बत का पैगाम नहीं है, आपस में मिलजुल कर रहने का, एक दूसरे की खिदमत करने का, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की सबसे बड़ी चीज़ जो है खल्क की खिदमत है, इबादत से बढ़कर। जो कल की खिदमत करता है उसे अल्लाह मिलता है जी, जी। इबादत करने वाले को तो सिर्फ जन्नत मिलती है। ये कहीं मिसाल तो नहीं है बीमारी की वजह से जी, कि हमारे इस्लाम में मुसलमानों में गैरों के साथ भी हो अपने साथ भी हो। हमने अभी सेठ साहब अंजुमन की तरफ से अनाज के किट बांटे गए, हमने कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि मुसलमानों के लिए, सब मजहब को देखा। क्या ये जज्बा अल्लाह ताला इस्लाम में हमें होने की वजह से, नबी की तालीम हासिल करने की वजह से हमारे में आ गया, और हमारे में मोहब्बत कायम रहेगी इंशाल्लाह? इंशाल्लाह कायम भी रहेगी, और इसके असरात महसूस भी हुए। मैं यहाँ पर रहने के बाद में अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह पाक ने कैसी सिफात रखी लोगों के अंदर, इसलिए अल्लाह पाक ने मुकाम भी दिया, और हम अल्लाह से दुआ करेंगे इनको बेहतरीन इज्जत भी दें, बुलंदियाँ भी अता फरमाएं, सुकून भी अता फरमाएं। दिल्ली पहुँचने के बाद जी जी शायद अपने बच्चों में, बीवी में या लोगों में यहाँ की मिसाल बताएंगे? बताएंगे नहीं, शायद हम कभी भूलेंगे नहीं। चिल्ला तो मैं 20 साल से लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा चिल्ला और इतना 77 दिन जो हमने यहाँ गुजारे हैं, आई नेवर फॉरगेट। और ये हमारे सब साथी और हमारे सीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं सईद बारी साहब, मैं उनसे कह रहा था तो कहने लगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ईद भी यहाँ गुजारेंगे हमें सुकून से। मेरे अभी एक बहनोई चले गए हैं और हमारे यूनिवर्सिटी इंजीनियर फिरोज साहब, और वो कह रहे थे जितना सुकून हमें यहाँ मिला और जितना वो हमें वहाँ नहीं मिला जाने के बाद। लेकिन हम सबका कहना, हमारी तरफ शुक्रिया भी अदा करते हैं, सलाम भी अर्ज़ करते हैं। तो इसलिए मैं आसिफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम अंजुमन के जितने साथी हैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। अब मेरे पास अल्फाज तो नहीं है, और जो कुछ गलती हुई साथियों से मुझसे, उसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ तमाम हजरात से, और बड़ी खुशी। लेकिन हमारी दरख्वास्त है जमात, जिस तरह जमात का हक अदा करना था हम तो नहीं कर सके, हमारे पास में जितना था कर लिए, जो कुछ कमी बेशी हुई जमात से दरख्वास्त है कि आप हमको यहीं माफ़ कर दें। जज़ाकअल्लाह खैर, इसका अजर अता आमीन।